प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो काठमांडू पहुंचने वाले हैं। राजनीतिक आपाधापी के बीच नरेंद्र मोदी का एक और नरम दिल चेहरा सामने आएगा। उनके साथ जीत बहादुर भी आ रहा है, जिसे उन्होंने पाला तो था अनाथ, पाया तो था अनाथ, लेकिन उसे पाल पोस कर एक बेहतर इंसान बना दिया। पीएम नरेंद्र मोदी उसे उसकी मां से मिलवाएंगे। नब्बे साल की बूढ़ी मां वोट करने के लिए जाती है, ऑटो रिक्शा में जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ ऐसी है कि पहाड़ भी दहल जाए, लेकिन लोहे की तरह मजबूत सीने के अंदर एक मोम जैसा तिल भी धड़कता है, जिसकी मिसाल है जीत बहादुर। कहां तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी और कहां नेपाल का रहने वाला ये मामूली सा नौजवान। 12 साल पहले मोदी ने इस बच्चे को जब गले लगाया था, तब इसको ये भी नहीं पता था कि इसके माता पिता कहां हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मोदी के दिल का एक कोना करुणा से ऐसे भर गया कि इस बच्चे को अपना धर्मपुत्र बना लिया। अब इसी धर्मपुत्र को मोदी उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए नेपाल ले जा रहे हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस बात से बेहद खुश हैं कि जिस बच्चे की परवरिश की उसे उनका असली माँ बाप मिल जाएगा। पीएम ने अपने ट्वीट पर लिखा है, नेपाल की इस यात्रा से मेरी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं भी जुड़ी हुई है। बहुत वर्ष पहले एक छोटा सा बालक जीत बहादुर असहाय अवस्था में मुझे मिला। उसे कुछ पता नहीं था, कहाँ जाना है, क्या करना है, और वो किसी को जानता भी नहीं था, भाषा भी ठीक से नहीं समझता था। ईश्वर की प्रेरणा से मैंने उसके जीवन के बारे में चिंता शुरू की। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में, खेलने में रुचि बढ़ने लगी। वो गुजराती भाषा जानने लगा। फिर क्या था, एक ऐसा रिश्ता बन गया जो रगों में नहीं बहता बल्कि दिलों में धड़कता है। मोदी ने खुद को घर परिवार के झमेले से दूर रखा, लेकिन बेवसी में पड़े बचपन को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए थे। 12 साल बाद वो बच्चा अब 26 साल का युवक बन गया है। जीत बहादुर की खुशी आज छुपाए नहीं छुप रही। 12 साल पहले जब जीत बहादुर पहली बार नरेंद्र मोदी से मिला, तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक सूबे को चलाने की मशरूफियत के बावजूद मोदी इतना वक्त जरूर निकाल लेते थे कि उसकी पढ़ाई लिखाई तक का ख्याल रख सकें। जिस बेटे को मां ने नादान उम्र में ही खो दिया था, वो बेटा अब सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का धर्मपुत्र बन चुका है। मां तो कुछ समय पहले तक बेटे की उम्मीद खो ही चुकी थी, लेकिन उसके आंसुओं में खुशियों की वो चमक है जो सालों के इंतजार से पैदा हुई है। नेपाल के नवलपरासी जिले के लौकाहा गांव में जीत बहादुर की मां खुशियों के समंदर में डूब रही है, उतरा रही है। मोदी के आने की खुशी में पूरा नेपाल झूम रहा है। कोइराला सरकार ने 2 दिन की छुट्टी कर रखी है, लेकिन एक मां ही नहीं, अपने बेटे को खोने वाला एक बाप और उसका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा नेपाल एक दरिया दिल इंसान पर, अपने सबसे बड़े मेहमान की नेकी पर निहाल है। सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। 10 वर्षों की नादान उम्र में जीत बहादुर मजदूरी करने हिंदुस्तान पहुंचा। उसकी किस्मत में तो प्रधानमंत्री का धर्मपुत्र बनना लिखा था, इसलिए बदहाली की हालत में वो मोदी से मिला और यहीं से उसकी किस्मत ने करवट बदली। रविवार की सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर इंडिया वन से नेपाल के लिए उड़ान भरेंगे, उस वक्त एक अनजाना सा रिश्ता भी भावनाओं की डोर पकड़ सबसे ऊंची उड़ान भरेगा। उस रिश्ते का मलमली रेशा नेपाल के नवलपरासी जिले से जुड़ता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के धर्मपुत्र जीत बहादुर ने आंखें खोली थी। मेरा छोरा लाई वहाँ मोदी जी ले पालन पोषण गर्नु भयो, धर्मपुत्र पनि बनाउनु भयो, गर्दाखेरि मेरा छोराले चाहिँ नि उहाँहरुको इज्जत जीवनभर उहाँहरूको इज्जत नफालोस्, उहाँको जीवन, उहाँ मोदीजीको जीवन गए पनि मेरो छोरा त उहाँको छोरा भयो,
उनको मेरे छोरा को जीवन भरी समान पानी वहाँ को इज्जत फाड़ना न सकूँ मेरे छोरा ले। जीत को जन्म खगिसरा साहू ने दिया, परवरिश गरीबी के आंगन में हुई और भविष्य एक डरावने कल की तरफ इशारा कर रहा था। 1998 में सिर्फ 10 साल की उम्र में जीत बहादुर काम की तलाश में घर से निकल गया। साथ में उसका बड़ा भाई दशरथ भी था। कुछ दिन उसने दिल्ली में काम किया और फिर राजस्थान चला गया। राजस्थान में उसका मन नहीं लगा और वो वहां से भागकर अपने घर पहुंचना चाहता था। जीत बहादुर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो राजस्थान से सीधे अपने गांव गोरखपुर जाना चाहता था। उसने गोरखपुर के लिए ट्रेन भी पकड़ी थी, लेकिन वो ट्रेन गोरखपुर की बजाय अहमदाबाद की थी और वो अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद जीत बहादुर के लिए एक नई दुनिया थी। किस्मत अच्छी थी कि एक भली महिला से उसकी मुलाकात हो गई। उस महिला ने ही उसे नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब तक जीत बहादुर 14 साल का हो चुका था। बड़े सियासी फलक वाले नेता नरेंद्र मोदी ने उसके भविष्य को देखते हुए उसके रहने खाने और पढ़ने लिखने का इंतजाम करवा दिया। 12 साल बीत गए, बहुत कुछ बदल गया। मोदी अहमदाबाद से दिल्ली आ गए, लेकिन नहीं बदला तो वो रिश्ता जो प्रेम और करुणा के धागे से बुना हुआ था। मोदी की मेहरबानी हुई तो मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार का बेटा अब अहमदाबाद के राय यूनिवर्सिटी से BBA का कोर्स कर रहा है। सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जीत बहादुर भी नेपाल आ रहा है। जीत बहादुर नेपाल का है ये तो पता चल गया, लेकिन उसके माँ बाप कौन हैं इसकी पहचान बड़े ही दिलचस्प तरीके से मोदी ने कराई। जीत बहादुर के सिर पर नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा तो उसकी किस्मत बदल गई। मेहनत मजदूरी की दुनिया से छूटकर उसने स्कूल कॉलेज की दुनिया देखी, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपनी उन जड़ों की याद आ रही थी जहां उसने जन्म लिया था। नरेंद्र मोदी भी इस बात से अनजान नहीं थे। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने तरकीब से ढूंढ ही निकाला जीत बहादुर के परिवार को। वो साल था 2011। उस वक्त नेपाल के उद्योगपति विनोद चौधरी फिक्की के निमंत्रण पर एक कार्यक्रम में अहमदाबाद गए थे। उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। विनोद चौधरी ने मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी को नेपाल आने का न्योता दे दिया। तब नरेंद्र मोदी ने उनसे नेपाल आने की शर्त रख दी। कहा कि अगर वो उनके घर रह रहे जीत बहादुर नाम के नेपाली लड़के के परिवार का पता लगा दें तो वो नेपाल जरूर आएंगे। नरेंद्र मोदी नेपाल में मेरा पास एक नेपाली लड़का है, वो लड़का को परिवार को भेंट कराना आप सकते हैं तो मैं नेपाल चीफ गेस्ट में आ सकता हूँ, इसके लिए उसका परिवार पुनर्मिलन करने के लिए वो बोला था। विनोद चौधरी ने अहमदाबाद से लौटने के बाद 30 घंटे के भीतर ही ना सिर्फ जीत बहादुर के परिवार का पता लगा दिया बल्कि परिवार वालों की बातचीत भी जीत बहादुर से करवाई। इस बात की पूरी तस्दीक गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय से आए इस ईमेल से होती है। जब नेपाल मेरा बोस विनोद चौधरी आया, उसको मेरा मेल किया कि ऐसे ऐसे लड़का नेपाल में है, उसको पता लगा बोला कि मेरे फिर उसको जो मेल पाया था मेरा बोस को, उसके 24 से 30 घंटा तक में उसका संपूर्ण परिवार का विवरण मैं पता लगा कर फिर मेरे बोस को उसका फोटो उसका सब परिवार का विवरण मैं स्कैन करके मेल से मेरा हेड ऑफिस थाने पर मेरे बोस के पास पठा दिया, उन्हें उस फिर नरेंद्र मोदी को पठा दिया था, इसीलिए उसको भेंट हुआ। लेकिन मोदी इतने भर से तैयार नहीं हुए। उन्होंने जीत की माँ से पूछा कि अगर वो तुम्हारा बेटा है तो क्या कोई निशानी है। तब जीत की माँ ने मोदी को बताया कि उनके बेटे के पैर की 2 उंगली जुड़ी हुई है। नेपाल रवाना होने से एक दिन पहले मोदी ने भी ट्विटर पर लिखा है, कुछ समय पहले मैं उसके माँ पिताजी को भी खोजने में सफल हो गया, ये भी रोचक था। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसके पाँव में 6 उंगलियां हैं। मुझे खुशी है कि कल मैं स्वयं उन्हें उनका बेटा सौंप सकूंगा। हालांकि 3 साल पहले जीत बहादुर अपने घर पहुंच गया, इस बार वो फिर अपने घर जा रहा है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ, अपने भाग्य विधाता के साथ। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। नेपाल इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नेपाल अपने उस लाल का भी इंतजार कर रहा है जिसकी परवरिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेपाल खुश है कि उसका वो लाल
अच्छी किस्मत लेकर नेपाल लौट रहा है। नेपाल के इस छोटे से गांव में उस देश के किसी भी नेता से ज्यादा चर्चा में है नरेंद्र मोदी। सबकी जुबान पर नरेंद्र मोदी का नाम। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नेपाल का ये गांव उन्हें किसी हीरो से कम नहीं आंकता। नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा पर जाने वाले हैं। पूरा गांव खुश है कि शायद जीत बहादुर भी मोदी के साथ आए, क्या पता मोदी से मुलाकात हो जाए। गांव के लोग इस बात से भी रोमांचित हैं कि वो नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। हमको खुशी लग रहा है क्योंकि हम इधर ना गरीब बसिंदा है, तो वो इतना अमीर घर में गया है, तो ऐसा लगता है कि वो कुछ अपना जिंदगी में कुछ बड़ा काम करे, कि अपना भाई को भी नाम रखे, हमारा देश में भी जो ये गरीब एरिया में भी कुछ भला करे उस हमारे लिए। हम लोग तो सोचते हैं कि वो लोग इधर थोड़ा सा करेंगे तो और अच्छा। वो महेंद्र मोदी का लड़का बना जा रहे ना, और अच्छा है वो लोग के लिए, तो हम लोग को भी अच्छा है, अच्छा लग रहा है। नरेंद्र मोदी सावन के अंतिम सोमवार यानी 4 अगस्त को नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। वहां वो पशुपतिनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करेंगे। यहां पर मोदी जी आएंगे तो यहां पर विशेष पूजा कराएंगे भगवान शंकर जी का। अंदर जो पंचामृत अभिषेक होता है सोमवार के दिन में, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर जी का दही दूध घी चीनी शहद मधु से पंचामृत का स्नान और ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक का वैदिक मंत्र द्वारा पाठ होगा। विशेष प्रकार से जो विशेष पूजा है वो मोदी जी यहाँ पर करेंगे। पूरा गांव इस बात से खुश है कि नरेंद्र मोदी जैसी दिग्गज हस्ती ने उनके गांव के एक बच्चे का इतना ख्याल रखा, एक पिता का प्यार दिया, पिता जैसी जिम्मेदारी निभाई। गांव के सारे लोग नरेंद्र मोदी की दरिया दिली की बड़ाई कर रहे हैं। वो हर किसी आदमी से उसको कोई तकलीफ है या नहीं है, कॉलेज में स्कूल में उसको कोई परेशानी है या नहीं है, बुझने की जब बाहर है अथवा कहीं है तो बुझने के लिए भेजते है। और कोई छुट्टी वुट्टी इधर कॉलेज का हो गई तो किसी आदमी को उसको कहीं भेजने का छुट्टी मनाने के लिए वो उनका असिस्टेंट वगैरह कोई एम्प्लॉय वगैरह वो मेरा सब कुछ कर देता है, टिकट विकेट होटल सब कुछ वही कर देता है। तो मैं घूमने जाता हूँ बस, पैसे वैसे भी उधर से कैसे तिरा जाता है मेरे को कुछ पता नहीं है, ये बोलता था। नरेंद्र मोदी ने एक गरीब बच्चे की मुकम्मल परवरिश कर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है, एक अच्छा संदेश दिया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ सुजीत कुमार झा, नवलपरासी, नेपाल, आज तक। काठमांडू से फिलहाल इतना ही।